ये जो भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर आई थी, कांग्रेस मुक्त भारत हुआ नहीं। डरा हुआ प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को डरा रहे, महिलाओं को डरा रहे। अरे तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है। हम लिख कर देने हैं, 200 सीटें पार नहीं कर रही भाजपा, भारी नुकसान हो रहा है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मैडम अलका लांबा हमारे साथ हैं, आज यह कांग्रेस भवन सेक्टर 35 में पहुंची है। आइए उनसे कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। मैडम, सैम पित्रोदा जी ने एक बयान दिया है विरासत टैक्स वाला, कांग्रेस को क्या सेल्फ गोल की आदत पड़ गई है? आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप मुझे 2 मिनट दीजिए और आपको ये बताती हूँ कि जो सैम पित्रोदा जी ने कहा है या नहीं कहा, इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। वही बात भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब कहा था, वीडियो वायरल है। अगर ईमानदार पत्रकारिता है तो दोनों को चलाइए, दोनों वीडियो को, कि प्रधानमंत्री जी जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने यही बात कही या नहीं कही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपका विचार कुछ होगा, मेरा विचार कुछ होगा, लोकतंत्र क्या कहता है, दोनों के विचारों को सुना जाना चाहिए। दोनों के विचारों में राय बनेगी तो एक दिशा में जाएंगे, दोनों के विचारों में राय नहीं बनेगी तो आप अपनी दिशा में जाओगे, मैं अपनी दिशा में जाऊंगी। तो एक देश में एक सोच तो नहीं हो सकती ना, एक परिवार एक घर में नहीं सोच होती, पिता की सोच बेटे से नहीं मिल रही, बेटी की माँ से अलग सोच होती है, लेकिन क्या होता है सुना जाता है ना। और आगे रास्ते, सैम पित्रोदा जी देश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी है। मोदी जी ने कब क्या कहा, आय दुगनी होनी थी किसानों की, मोदी जी ने कहा था ना, इम्तिहान का समय है, आय दुगनी हुई, कर्ज माफ हुआ, एमएसपी पे कानून मिला किसानों को, नहीं मिला, आज पूछने का ये मौका है। लेकिन सैम पित्रोदा जी की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अन्याय काल के सवाल ना पूछे जाए कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार देना था हर साल, 45 साल ने बेरोजगारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए प्रधानमंत्री जी, 30 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली है, बेटियां न्याय मांग रही है, साक्षी मलिक के बलात्कारी यौन उत्पीड़न को आपने टिकट देकर प्रचार प्रसार करा रहे हैं आप। हाँ, तो सवाल तो ये है ना, आज ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री सैम पित्रोदा जी हैं। उन्होंने जो कुछ कह दिया वो पत्थर की लकीर होने वाला है, लागू होने वाला है, और सारा नाम मुझे तो समझ नहीं आ रही। लोकतंत्र है ना, वो विदेश में बैठे हैं और विदेश में एक चीज हो रही है उसका उन्होंने जिक्र कर दिया है, सुन लीजिए, नहीं सुनना मत सुनिए, आगे बढ़ जाइए। अब की बार 400 पार और साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, आपको क्या लगता है कौन सा नारा चलने वाला है? ये तो हो चुका है, ये जो भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर आई थी, कांग्रेस मुक्त भारत हुआ नहीं। आज कर्नाटका तेलंगाना हिमाचल में हमारी सरकार है, और आप भाजपा को देखेंगे तो कर्नाटका में हराया, तेलंगाना में उनको हमने रोक दिया, और आज पूरा दक्षिण भारत मुक्त भाजपा हो चुकी है। उत्तर भारत में भाजपा को भारी नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत की खाक छान रहे हैं, फायदा उनको कहीं नहीं मिल रहा। 40 सीटें तमिलनाडु की पोल हो चुका है 19 तारीख को पहले चरण में, 20 सीटें केरला की है, अभी 26 को दूसरे चरण में हो रहा है, पूरा सुपड़ा साफ है भाजपा का, एक सीट नहीं मिल रही, और भारी नुकसान उत्तर भारत में हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी डर गए हैं। डरा हुआ प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को डरा रहे हैं, महिलाओं को डरा रहे हैं, अरे तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है, अरे मुसलमान घुसपैठिए हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपका सब ले जा रहे हैं। इनको लगता है 140 करोड़ की आबादी मूर्ख है कि हर बार आप हिंदू और मुस्लिम करते हैं, डर पैदा करते हैं, खौफ पैदा करते हैं, मुद्दों से भटकाकर वोट ले जाते हैं, अब ये नहीं हो रहा है। मंगलसूत्र, मुसलमान और हनुमान चालीसा, वो दोबारा से उसी मुद्दे के ऊपर लौटे हैं। ये मुद्दा हवा देने का जो काम हो रहा है, क्या ये चलेगा दोबारा? कर्नाटक में नहीं चला, कर्नाटक में भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी, हमने कहा जो भी दंगा करेंगे, उन्माद करेंगे, चाहे वो बजरंग दल हो चाहे वो PFI हो, हम दोनों पर बैन करेंगे। क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? बजरंग दल पर हमला, बजरंग बली पर हमला है, उनका अपमान है। हनुमान चालीसा चल रही थी कर्नाटका के विधानसभाओं में, हर चौराहे और सड़क पर, कर्नाटका ने मुंह तोड़ जवाब दिया और बुरी तरह शिकस्त हुई। तो जब वहां फेल हो गए तो देश में आज भगवान श्री राम के मंदिर का नाम ले, हिंदू मुस्लिम का नाम, महिलाओं के मंगल सूत्र खतरे में बताएं, महिलाएं जागरूक है, वो अपने घर का चूल्हा ठंडा होता हुआ देख रही, अपने बेटों को, बच्चों को जिनके हाथ में रोजगार होना था उनके हाथ में रोजगार नहीं, नशे की पूड़ियां देख रही है। तो आज समय आ चुका है 10 साल पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार के प्रधानमंत्री जी, मुद्दों पर दम हो तो बात करिए। देश सुलझा हुआ है, समझदार है। पहले चरण में 1 करोड़ मतदान
19 के मुकाबले कम हुआ। हमने जब ये देखा कि 1 करोड़ मतदाता ने पिछले के मुकाबले कम वोट दिया, कहां देखा, भाजपा के गढ़, भाजपा की जहां सीटें थी वहां पर 1 करोड़ मतदाता कम निकला है। स्वाभाविक है, भाजपा के गढ़ में अगर घर कोई बैठ गया तो वो भाजपा का कार्यकर्ता और मतदाता बैठा है, जिसका सीधा नुकसान इन चुनाव में भाजपा का हो रहा है। और जो भाजपा 400 सीटों का दावा कर रही है, हम लिख कर देने, 200 सीटें पार नहीं कर रही भाजपा, भारी नुकसान हो रहा है। और पूरा देश इंडिया अलायंस के साथ एकजुट होकर देश के मुद्दों पर आगे बढ़ रहा है। 33% महिलाओं के आरक्षण की बात जो है कांग्रेस ने करी थी और शुरुआत करी थी, लेकिन 33% आरक्षण टिकट वितरण के अंदर अभी कहीं नजर नहीं आया कांग्रेस के टिकट वितरण में। नहीं, मैं वो तो वो कहूंगी, देखिए अभी कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, 33% तो किसी ने भी टच नहीं किया, लेकिन कर सकते थे। और कब हो सकता था, जब महिला आरक्षण कानून आ गया था, लागू ही तो होना था। प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं के हक अधिकार से, उनकी भागीदारी से उनको वंचित रखा 10 सालों तक। हमें लगा अब कानून आ गया है, बस 24 के चुनाव आ गए, लागू होगा, 180 बहनें देश की महिला आरक्षित सीटों पर खड़ी होंगी, चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी और संसद पहुंचेंगी और देश की आवाज बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जुमला कर दिया, बोला परिसीमन करेंगे, जातीय जनगणना करेंगे और 20-30 साल बाद कभी लागू करेंगे। वरना 180 बहनें संसद में होती या नहीं होती, और इस ये इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा, प्रधानमंत्री जी आपने धोखा किया है। एक सर्वे कांग्रेस ने यहाँ चंडीगढ़ के लिए करवाया था जिसमें कि पवन बंसल जी को काफी आगे बढ़त पे बताया गया था, लेकिन अचानक प्रत्याशी बदल के जो है मनीष तिवारी को क्यों कर दिया गया? देखिए, सर्वे की जहां तक बात है, पार्टी ने सर्वे को करवाया है, और लेकिन मैं फिर कहूंगी, बहुत जगह सर्वे के बावजूद हमारी वो जो सीटें हैं इंडिया अलायंस को गई है, है ना, बहुत जगह हमें उम्मीदवारों को जो है शिफ्ट करना पड़ा है, घर नहीं बिठाया हमने किसी को भी। मनीष तिवारी जी अगर वहां से सांसद थे तो आज यहां से सांसद है, लेकिन किरण खेर को तो घर बिठा दिया, 10 साल की सांसद, शानदार काम था, क्यों घर बिठा दिया? मीनाक्षी लेखी 10 साल से नई दिल्ली से सांसद थी, केंद्रीय मंत्री, घर बिठा दिया। वरुण गांधी की उम्र थी मार्गदर्शन मंडल में जाने की, पीलीभीत से टिकट काट दिया आपने उनकी। आपने जो है दिल्ली के डॉक्टर हर्षवर्धन जो है चांदनी चौक से केंद्रीय मंत्री, कोरोना काल शानदार काम, टिकट काट के घर बिठा दिया। आपके बताऊंगी, गौतम गंभीर की उम्र थी मार्गदर्शन मंडल की, घर बिठा दिया। आपने प्रवेश साहब सिंह वर्मा के बेटे को जो पूर्वी दिल्ली, तो भाजपा ने तो यंग युवाओं और महिलाओं, हमारी रीटा बहुगुणा जोशी की पता लगा टिकट कट गई है, है ना, उससे पहले सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज जी चुनाव में थी, 19 में हमारे बीच में थी, उनको टिकट काट दिया कुछ भी कारण। सो भाजपा ये सब अब छोड़ दे, देश समझदार है, देश के राष्ट्रीय मुद्दे, मैं फिर कहूंगी 5 न्याय 25 गारंटी है। 5 न्याय में नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय के तहत हम आगे बहुत मजबूती से इंडिया अलायंस के साथ गठजोड़ में बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल अलका जी, मनीष तिवारी जी लगातार एक आरोप भाजपा जो लगा रही है कि सीट बदलते रहे, पहले लुधियाना से, फिर आनंदपुर साहब से और अब चंडीगढ़ से, कहीं टिकेंगे आगे जाके? नहीं, देखिए जाना कहाँ है, जाना तो दिल्ली है, दिल्ली की लोकसभा में जाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो आप देश के कहीं से भी आए, आपको जाना तो दिल्ली और संसद है, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। मनीष तिवारी जी पहले दिन सीटों से सांसद थे, लड़े और जीते दोनों जगह से, तीसरी जगह पार्टी ने उनको भेजा, और चंडीगढ़ उनका अपना घर है, उनके पिता की कहीं शहादत के, उनका घर, परिवार, पढ़ाई सब यहां से हुई है। सो देश को बांट नहीं सकते, अगर आप बात करेंगे तो गांधी परिवार एक इकलौता देश का परिवार है जो दक्षिण भारत, कहां से लड़ी थी इंदिरा गांधी जी, बल्लारी से, कर्नाटका उनको नहीं बोलनी आती थी लेकिन बल्लारी से जीती। सोनिया गांधी जी कहां से जीती आपके जो है, सॉरी सोनिया गांधी जी बल्लारी से जीती, और इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से जीती थी। राहुल गांधी जी मलयालम नहीं आती बोलनी, पर वायनाड के लोगों ने सर माथे पर बिठाया। तो क्योंकि सबको पता है कि सांसद चुना जाएगा वो देश के लोकतंत्र, संविधान को बचाने के लिए दिल्ली के संसद की उस मंदिर में लोकतंत्र के पहुंचेगा। इसलिए यहां पर भी मनीष तिवारी जी का जो काम रहा है सांसद के तौर पर, उसकी तारीफ उन दो लोकसभाओं से जो आवाज है यहां तक पहुंची हुई है। और आप यहां पर किसी से बात करें, उन्हें लगता है मनीष तिवारी जी पढ़े लिखे हैं, एनएसए युवा कांग्रेस से एक संघर्ष के रास्ते से आए हैं, ईमानदार हैं, और उनका जो रिकॉर्ड केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहा है और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के रहे, मुद्दे जो उन्होंने देश भर में उठाए हैं उन सबसे लोग उनकी छवि को जानते हैं। और अपने आप का सौभाग्य मैं कहूंगी कि चंडीगढ़ के लोगों को ऐसा उम्मीदवार मिला है। तो ये थी हमारे साथ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रधान अलका लांबा, जो कि एक तेज तरार नेता के तौर पर उन्होंने जवाब दिए। साजिन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से।